विकास जी ने हमें कॉल किया है अंबाला से। विकास जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार अतुल जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मुझे अपने मदर के लिए पूछना है सवाल। उनकी एज 75 ईयर्स है और उनको शुगर की प्रॉब्लम है और उनकी जो सुबह बिना नाश्ता किए वाली शुगर है वो काफी हाई आती है, 250 के करीब आती है, 250-225 के करीब आती है। तो एक तो उनकी ये प्रॉब्लम है, दूसरा उनके एडी में जो है एडी उनकी हमेशा सूजी रहती है। हमने काफी जगह पे दिखाया है लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, एक्सरे भी करवाए हैं लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं पता लग रही जी। ठीक है विकास जी, बहुत अच्छी उम्र में हैं आपकी मम्मी और बहुत अच्छे बात है कि उनका बेटा उनके बारे में ऐसी सोच रखता है कि उनको तकलीफ आसान होनी चाहिए। तो देखिए इतनी मोहब्बत ज़रूर करें सब लोग जितने विकास अपने माता जी से करते हैं। तो देखिए शुगर का एक मैं दवा बताता हूँ, एक रॉ मटेरियल ही है समझ लीजिए, एक सिरका आता है जैतून का सिरका, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम 1 गिलास पानी में मिला के पिलाया करें। उनकी शुगर जितनी होनी चाहिए उतनी रहने लगेगी, ऐसा मेरा तजर्बा है। लेकिन वो दवाएं भी खिलाएं जो आप खाते हैं, उसे भी छोड़ें नहीं। और एड़ी के दर्द के लिए गौंद स्याह अगर मिल जाए, असली गौंद स्याह, ये कड़वा होता है और काला होता है, यानी ब्राउन सा होता है, इसलिए इसको काला गौंद या गौंद स्याह कहते हैं। ये आधा आधा ग्राम सुबह शाम बगैर चर्बी के दूध से पानी से खिला सकते हैं आप। 100 ग्राम भी अगर असली मिल जाए, असली की बड़ी वो है, शिनाख्त होनी चाहिए और पहचान होनी चाहिए। असली मिल गया तो 100 ग्राम गौंद भी अगर आपको असली मिल गया तो वो ख़त्म होने से पहले आपकी माता जी का दर्द ख़त्म होना मुमकिन है। निगम साहब ने हमें कॉल किया है फरीदाबाद से। निगम जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर जी। हेलो जी, आदाब जी। हाँ नमस्ते डॉक्टर। आदाब आदाब डॉक्टर, मैं नीलम बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी जी डॉक्टर, मेरे मुझे ना 4 महीने हो गए, मुझे बुखार आया था एजन के लिए और उसके बाद में मेरे इतनी बीच में उसमें मोजीरा निकला था, अब रिपोर्टों में मोजीरा आ नहीं रहा है, अब उसकी वजह से मेरे घबराहट नहीं जा रही। उसके बाद में क्या निकला था? मोतिया निकला था। अच्छा अच्छा, देखिए बुखार अलग चीज़ है, मोतिया अलग है, मोतिया बिंद कह रहे हैं अगर आप, लेकिन घबराहट बहुत आसानी से जा सकती है आपकी। देखिए ये जो आपको मैं एक सिरका बता रहा हूँ, एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का सिरका अगर मिल जाए आपको तो रात के समय 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करिए, आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। एक और कॉलर है, शोभिता जी ने हमें कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। आदाब। हाँ जी, मैं अपनी मम्मी के लिए पूछ रही हूँ, वो 77 ईयर्स के हैं जी और उनको बीपी भी है और कब्ज बहुत ज्यादा रहती है और थायराइड भी है और ना उनके कंधे में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि मसल्स फट रहे हैं और फट गए हैं और फिर वो मतलब कंधा ऊपर मतलब हाथ ऊपर नहीं होता उनका बिल्कुल भी, कपड़े वगैरह डालने में बहुत मुश्किल होती है जी। और मैंने अपने पापा का भी पूछना, एक मिनट और भी ना आप पहले मम्मी का बता दो। और मम्मी को ना जैसे दवाइयाँ गर्मी बहुत करती है, मुंह में छाले हो जाते हैं जी। ठीक है आप लिख लीजिए इनका सवाल, 2 सवाल है मम्मी जी। जो आपके फादर की तकलीफ है वो भी बता दीजिए आप। अच्छा पहले मम्मी का नहीं बताएंगे? नहीं मदर का भी बताएंगे, फादर की तकलीफ भी बता दीजिए, दोनों साथ में आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, और पापा को ना शुगर भी है और उनको बवासीर है, उनको मतलब खून आता है पोटी में। उनके 78 78। ठीक है आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, हकीम साहब जवाब देने जा रहे हैं। सबसे पहले मदर के विषय में बताइए क्या करें हकीम साहब ये।
देखिए, आपकी मदर ठीक हो सकती हैं, और देखिए सबसे पहले कौन सा इलाज करना चाहेंगे वो नुस्खा आप लिख लीजिए। कॉपी पेन अगर आपके पास है तो बहुत आसानी हो जाएगी। नुस्खा लिखने में गलती ना करें, अगर गलती करेंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। देखिए, मम्मी को आपके जो ब्लड प्रेशर है और मुंह में छाले हैं, और आपकी मम्मी को कंधे में दर्द है, तो देखिए ब्लड प्रेशर का इलाज है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका आपको मिल जाए तो 3-3 चम्मच सुबह शाम दें तो 7-8 महीने में उनको फ़ायदा होगा। इसलिए आप वो दवा भी देते रहें जो ब्लड प्रेशर की आप देते हैं। अगर आप उनके कंधे के दर्द के बारे में संजीदा हैं तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के पश्चात बगैर चर्बी के दूध से दें। चर्बी वाला उसको नुकसान करता है जिसको बीपी की शिकायत होती है, तो ये आप दें और लगातार दें। 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो कई महीने तक दें तो आपकी वालदा ठीक हो सकती है। जी, और इनके फादर के विषय में इन्होंने पूछा था कि बवासीर है, साथ ही शुगर है, उनके लिए क्या करें? अच्छा देखिए, उनको शुगर के लिए एक अच्छी दवा है जो मम्मी को बताई है मैंने ब्लड प्रेशर के लिए, वो शुगर पर भी पूरा काम करती है। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम उनको जैतून का सिरका दें, और वैसे तो ये काफ़ी है उनके बवासीर के लिए भी, शुगर के लिए भी, लेकिन अगर ऐसा हो कि उनको फ़ायदा कम होता हो या कब्ज़ नहीं टूटता हो, बवासीर ठीक नहीं होती हो, तो एक नमक आता है कलौंजी का नमक, या नमक कलौंजी इसे कहते हैं, या रसायन कलौंजी भी इसको कहते हैं। तो ये देखने में नमक होता है लेकिन स्वाद में नमक नहीं होता, तो ये 0.5 ग्राम उनको पानी में मिला के सुबह शाम पिला सकते हैं तो इनके पेट की समस्या का भी समाधान मुमकिन है। एक और कॉलर है, साइमा जी ने हमें कॉल किया है लखनऊ से। जी साइमा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे, मैंने कल कॉल की थी, एक्चुअली मेरे क्या टीवी नहीं है तो कॉल कट गई थी, हम अपनी दवा भी नहीं सुन पाए थे जी, तो आप कॉल मत कट कीजिएगा। मेरे पिंपल्स हो गए और ऊपर से वो दिख नहीं रहे, बट अब गाल तो पूरा टच करेंगे तो वो अंदर से निकली हुई चील जैसी है, और ऊपर से वो ना रेड है कुछ भी नहीं, स्किन के अंदर ही है, पर बहुत ज्यादा हो गए पूरे गाल पे और पूरे मत्थे पे, पूरे फेस पे हो गए, 15-20 दिन तो हो गए और जा नहीं रहे। अच्छा, इनकी कॉल कट नहीं की जाए, इनके पास इनकी कॉट कॉल कट मत करिए, जो भी इस पर बैठे हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। देखिए, एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसका 0.5 ग्राम पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार या दो बार, ये रॉ मटेरियल लेना, असली लेना और सफ़ेद वाला लेना, गोंद मोरिंगा सफ़ेद पानी मिलाकर सुबह और शाम आप पी सकते हैं। चंद हफ्ते आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस से कॉल किया है सागर जी ने। सागर जी सवाल पूछिए। जी, हमारी उंगली में जो है और पैर में वो कट जाता है, जैसे अपने आप जैसे फट जाती है। उम्र कितनी है आपकी? 25 साल। और ये समस्या कब से है आपको? ये मैम 3-4 सालों से है, बीच में कभी ठीक हो जाती है और कभी फिर हो जाती है। जी हकीम साहब, देखिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, अगर खून की कमी हो तो उसको पूरी करें, खून बनाने की दवाएं लें या गजाएं लें। लाल लाल जितने फल आते हैं, गाजर, शलजम, टमाटर, सेब, ये खूब कसरत से खाया करें, और ये जो फट जाती हैं, इन लोगों को चाहिए कि अगर जूते नहीं पहनते
मोजों के साथ, तो जूते पहने जी, और जूते पहने और जब रात को घर पहुँचे तो कोई परात टाइप का कुछ हो, कोई बर्तन हो जिसमें गर्म पानी डाल के आप अपने पैर डाल लिया करें और एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ते रहें। ऐसा अगर आप एक हफ्ते तक करते हैं तो ये समस्या हल हो सकती है। एक गर्म खूब पानी गर्म हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें और उसको एक पैर से दूसरे को रगड़ते रहें, पानी बिल्कुल मैला ख़राब हो जाए काला सा, और जब पैर निकालें तो उन्हें पोंछ कर उस पर कोई ऑयल लगा कर, जैसे नारियल का ऑयल या जो भी आपको पसंद हो लगा कर सो जाया करें। आप एक हफ्ता भी करेंगे तो आपको परेशानी का निवारण मुमकिन है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं लुधियाना से, मीना जी ने हमें कॉल किया है। मीना जी स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी मेरा ना बाल बहुत झड़ता है मैम जी, सर का बहुत ज्यादा निकलता है, सर जब कंघी करते हैं तो बहुत निकलता है बाल। अभी टीवी में देख रहे थे तो मैंने कहा फोन करके पूछते हैं। मीना जी एज और बता दीजिए अपनी आयु। हाँ जी आपकी आयु कितनी है? उम्र 25। अरे इतनी कम उम्र में आपको ये परेशानी, चलिए हम बता देते हैं आपको इसके लिए कोई रास्ता। देखिए एक गोंद आता है वो आप लिख लीजिए, असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। इसे कहते हैं गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये लाल वाला नहीं लेना वो नकली होता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद ले लीजिए, 100-200 ग्राम बस खरीद लीजिए और आधा ग्राम रोज़ाना एक गिलास पानी मिलाकर पी लिया करिए। और आप अगर पैसे वाली हैं तो आधा ग्राम रोज़ाना एक नारियल पानी मिलाकर पी लीजिए। आप ये पिएंगे तो खूब बाल उगेंगे, खूब ग्रोथ होगी, खूब चेहरा पुरकशिश होगा, चेहरे पे बहुत रौनक आएगी और आप बहुत पुरकशिश पुरशबाब लगेंगे, बहुत आसानी से आपका इलाज मुमकिन। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और दर्शक, प्रताप सिंह जी हैं, हिमाचल से हमें कॉल किया है। प्रताप जी क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार, ये तो खर्च है जी बहुत ज्यादा। खारिश? हाँ खारिश है। ठीक है, कितनी उम्र है और कब से है खारिश आपको? मेरे को खारिश खारिश ठीक है। चलिए खारिश का एक बड़ा अच्छा इलाज है अगर आप कर सकें तो, और हमेशा के लिए इससे निजात मिल जाती है। जिसको भी खारिश हो या लाल लाल चकत्ते हो, खुजली हो, एलर्जी हो, तो उन्हें चाहिए कि एक नमक आता है जो देखने में नमक होता है, खाने में नमकीन नहीं होता। ये नमक जो है वो जैतून का नमक कहते हैं, जैतून का नमक यानी जैतून का एस्ट्रेक, इसे हिंदी में रसायन भी कह सकते हैं, जैतून का रसायन। आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना पी लिया करिए और ये आपको और भी बहुत फ़ायदे करता है, पेट को भी अच्छा करता है, गर्मी को भी दूर करता है, लीवर का भी ख्याल रखता है, किडनी की भी मरम्मत करता है और एसिडिटी गैस से भी निजात दिलाता है, और अगर कील मुहासे निकलते हैं उनमें भी राहत होती है और आपके इस मर्ज में भी राहत होना मुमकिन है। इस वक्त राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी सर नमस्कार। जी आदाब राहुल साहब। जी सर वो हमारे लिए वो नमक तो नहीं मिला जैतून का, तो मेथी खाली खा सकते हैं? कहाँ से मंगाएं वो जैतून का नमक? देखिए राहुल साहब अभी बात चल रही थी, आपने शायद कल भी फोन किया था, मेथी तो आपको असली मिली गई। मेथी में तो बेईमानी नहीं होती, असली होती है, उसे कोई बना नहीं पाता, ये कुदरती चीज़ है। और नमक के बारे में अभी बात चल रही थी कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो हमारे यहाँ से भी पहुँचाई जा सकती है, लेकिन आप शिकायत ना करें क्योंकि हमारे पास जब तक असली नहीं होता जब तक हम आपको भेजते नहीं हैं। तो 100-200 ग्राम आप ले सकते हैं, इसमें मिला लीजिए 100 या 150 ग्राम और इसे आप फिर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेट की समस्या
दानों की समस्या, कब्ज की समस्या, बवासीर की समस्या, लीवर की समस्या, ये बहुत कीमती है, मिलता मुश्किल से है, छोटे मोटे दुकानदार तो रखते ही नहीं है इसको, और इसे आप इस्तेमाल करें, बहुत काम की चीज़ है। किडनी की समस्या, वर्म की, लीवर की, बहुत सारी समस्याओं, और गैस और कब्ज़ और एसिडिटी का तो ये दुश्मन है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, इंतज़ार अगर कर सकते हैं, शिकायत ना करें, चाहे 15 दिन हो जाएं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आपको दस्तयाब की जाएगी।